ये सब क्या है अनोखी? पहले एग्जाम्स की जिद, उसके बाद ये टीचिंग असिस्टेंट की जॉब एप्लीकेशन, ये सब क्या है? और अगला क्या बहाना ढूंढोगी तुम इस घर की जिम्मेदारियों से बचने के लिए? हमारी नई बहू के पांव घर में टिकते ही नहीं। अगर सबरवाल खानदान की बहू बनने के लिए मुझे अनोखी भल्ला और उसके सपनों को पीछे छोड़ना पड़ा तो मुझे ये मंजूर नहीं है। देखा तुमने शौर्य, किस तरह से घर के बड़ों को सुना कर गई है। देखो बड़ी माँ और बड़े पापा अगर कुछ कह रहे हैं, वो घर के बड़े हैं, तो सुनने में कुछ गलत नहीं है। मुझे नहीं लगता वो पूरी तरह से गलत है, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर उनसे डिस्कस नहीं करा, कम से कम मुझसे तो डिस्कस कर सकती थी ना। एनीवेज मुझे बात नहीं करनी है। मैं तुम...